यूपी का संग्राम पांचवें चरण में पहुंच गया है। 27 फरवरी को पांचवें चरण के लिए मतदान होगा और सभी राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार के लिए अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। इस बीच एडीआर की रिपोर्ट ने भी चौंकाने वाला खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पांचवें चरण में हत्या से लेकर रेप तक के आरोपी चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए आपको बता देते हैं कि कौन सी पार्टी ने कितने दागियों को दिए हैं टिकट। यूपी का चुनाव पांचवें दौर में बढ़ चुका है। उम्मीदवारों के दामन के दाग और गहरे हो गए हैं। पांचवें चरण में भी सियासी दलों ने दागियों और करोड़पतियों पर जमकर प्यार लुटाया है। 27 फरवरी को 61 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए 685 उम्मीदवारों ने दावेदारी की है, जिसमें 27% उम्मीदवारों पर आपराधिक मुकदमे हैं, वहीं 36% उम्मीदवार करोड़पति हैं। बलात्कार और हत्या के आरोपियों को भी सियासी दलों ने टिकट दिया है। एडीआर ने सोमवार को पांचवें चरण के प्रत्याशियों के शपथ पत्र के विश्लेषण के आधार पर रिपोर्ट जारी की है। पांचवें चरण में 185 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मुकदमे घोषित किए हैं, जिसमें 141 के खिलाफ गंभीर अपराधों के आरोप हैं। समाजवादी पार्टी से लेकर बीजेपी ने दागी और करोड़पति उम्मीदवारों को टिकट बांटा है। पांचवें चरण में 12 उम्मीदवारों के ऊपर महिलाओं पर अत्याचार से जुड़े मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें सुल्तानपुर से सपा के उम्मीदवार अनूप सांडा पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज है। 8 उम्मीदवारों के ऊपर हत्या का आरोप है। कुंडा से उम्मीदवार गुलशन यादव, गोसाईगंज से अभय सिंह, चायल से पूजा पाल, रुंधोली से आनंद सेन और तिलोई से उम्मीदवार मोहम्मद नईम पर हत्या के आरोप है। 31 उम्मीदवारों के ऊपर हत्या की कोशिश के आरोप है। सपा के 49%, बीजेपी के 42%, बीएसपी और कांग्रेस के 28% उम्मीदवारों पर गंभीर अपराध के आरोप हैं। आपके 14% और अपना दल सोनेवाल के 29% उम्मीदवारों पर गंभीर अपराधों के मुकदमे दर्ज हैं। बीजेपी ने सबसे ज्यादा करोड़पतियों को टिकट दिया है, तो उसकी सहयोगी अपना दल भी उसी राह पर है। उसके 7 में से 6 उम्मीदवार करोड़पति हैं। इनकी औसत संपत्ति 11 करोड़ से अधिक है। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो इस चरण में 59% उम्मीदवारों ने खुद को स्नातक बताया है। 34% उम्मीदवार 5वीं से 12वीं तक पढ़े हुए हैं। महिलाओं की भागीदारी इस चरण में और कम हो गई है। महज 13% महिलाएं चुनाव में दावेदारी कर रही हैं। तिलोई से बीजेपी उम्मीदवार मयंकेश्वर शरण पी 58 करोड़ संपत्ति के साथ पहले पायदान पर हैं। कुंडा से बीजेपी के प्रत्याशी सिंधुजा मिश्रा 52 करोड़ की दौलत के साथ दूसरे पायदान पर हैं। अमेठी से बीजेपी के उम्मीदवार संजय सिंह 50 करोड़ की दौलत के साथ तीसरे स्थान पर हैं। बीएसपी के यशभद्र सिंह इसोली से मैदान में हैं, जिन पर 26 गंभीर धाराओं में 21 मुकदमे दर्ज हैं। सपा के संदीप यादव इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ रहे हैं, जिन पर 24 गंभीर धाराओं के तहत 35 मुकदमे दर्ज हैं। सपा के ही के श्रीवास्तव जो पयागपुर से मैदान में हैं, उन पर 9 मुकदमे दर्ज हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।